उम्मीद करोगे वो पैसा चुका नहीं सके, फिर ये बंगला अपने बाप का। यहाँ कहाँ रख रहे हो उसे, वहां ले जाके रखो, चलो। ए मामा, गेट खोलो जल्दी। मैं नहीं खोल सकता, चाबी उनके पास है। ए, तुम लोग बहुत काम चोर हो, ठीक से काम नहीं कर सकते क्या? इधर आओ, जाओ चाबी लेके आओ, जाओ। नाराज लग रहे हैं, पूछूंगा तो डांट पड़ेगी। ए, चाबी लेके आ रहे, जल्दी लाता हूँ। ए, अब तक टीचर क्यों नहीं आया? उससे कहो कि जल्दी आए, कितना लेट हो रहा है, जल्दी जाओ। ओके सर, जाओ। ए, चाबी दे। मैंने आपसे कहा था ना, बहुत गुस्से में लग रहे हैं, अब अगर पंगा ले लिया आपने। ये तो खड़े खड़े क्या कर रहे, काम कर अपना। चाबी ले क्या भाई, उसका थोबड़ा फोड़ डालो, जाओ जल्दी। डेकोरेशन खराब कर दिया तुम लोगों ने अंकल। हाँ बेटा, इसे ठीक करने में कितना टाइम जाएगा? ठीक करने में काफी वक्त लग जाएगा। बड़ी गलती कर दी। मैं पैसे लिए बिना जाऊंगा नहीं। लक्ष्मी, शिव ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, कम से कम उसे कुछ फल तो दे दो। ये पेपर पे साइन किया है, मारता काहे को है? क्या बोलने वाला था लोगों को कि तू शिव प्रसाद के घर गया, सूद समेत पैसा लौटाने की धमकी दी और सब तेरी धमकी से डर गए। और अब तू क्या कहेगा, शिव प्रसाद के घर तूने सूद समेत पैसे मांगे तो उनके बड़े बेटे ने सबसे पहले तेरा सूद चुकता किया। सही हिसाब है ना? सही है। 3 महीने बाद आना और पैसे ले जाना। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, उस गुंडे से इतना झगड़ा क्यों किया? ये जानते हुए भी कि इस घर में शादी होने वाली है। दरअसल दोष तुम्हारा नहीं है, मेरे पापा का है। जिंदगी में 3-3 बार फेल हुए। लाइफ में स्टेबल होना तो दूर, ढंग का एक काम नहीं कर पाए वो। पहले डॉक्टरी में फेल हो गए,
फिर बिजनेस का दिवाला निकाला। That blurry old man. ए, तूने मुझ पर हाथ उठाया? रुक, मैं अभी पापा को बुला। जब तू 9th में था तो तुझे तेज बुखार था, याद है? कोई दवाई काम नहीं कर रही थी। शहर के बेस्ट डॉक्टर तुझे ट्रीट कर रहे थे, उन्होंने भी उम्मीद छोड़ी दी थी, सिवाय एक डॉक्टर के, डॉक्टर शिव प्रसाद राव, मेरे चाचा। उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई तुझ पे लगा दी, दिन रात तेरी देखभाल की, एक पल के लिए भी तुझसे दूर नहीं हुए, कितनी रात बिना सोए बिता दी। फाइनली तू ठीक भी हो गया। डॉक्टर्स ने कहा ये चमत्कार है, बाकी ने कहा भगवान ने बचा लिया, लेकिन जिसने तुझे बचाया आज तू उसे ब्लडी ओल्ड मैन बोलता है। कुछ पता भी है कि आज वो एक डॉक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि उस दिन उन्होंने मन्नत मांगी थी कि अगर तू ठीक हो गया तो अपना मनपसंद पेशा छोड़ देंगे, और उन्होंने छोड़ दिया सिर्फ तेरे लिए। तो जैसे बेटे के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया और तू एक साइन नहीं कर पाया, जिस बाप ने तुझे हाथ पकड़कर चलना सिखाया तूने आज उसी का हाथ छोड़ दिया। माँ को इसके बारे में कुछ मत बताना। नहीं बताऊंगी। थैंक्स। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सभी मेहमान आ गए हैं, वो आपके बारे में पूछ रहे हैं। मुझे लगा था कि मेरा बेटा मेरी दुनिया है, पर आज उसने इस तरह अचानक मेरा साथ छोड़ दिया है। ऐसा मत कहिए जी। नहीं, मैं उससे नाराज नहीं हूं, पर आज उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। मैं अब जीना नहीं चाहता। ऐसा मत कहिए। शांत हो जाइए। मुझे माफ कर दीजिए पापा। विकी, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। अच्छा, मैं मिलवाता हूँ तुझे उससे। कौन है वो? सुहा। हाँ, इधर आओ ना। विकी,
तुम एक दूसरे को जानते हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये इसके साथ भी फ्लोट कर चुका है। चिट्टी, चिट्टी, चिट्टी गुस्से में है। ये आइसक्रीम खाएगा? लाता हूँ। ये विक्की हमेशा ही ऐसा करता है और कभी कभी तो हद ही कर देता है। अच्छा, उसके बारे में कुछ मत कहो, वो मेरा दोस्त है। अब तुम गलत मत समझो, इसमें उसकी गलती नहीं है, ये बस एक कोइंसिडेंस था, मेरी ही किस्मत खराब है। विक्की सच में लकी है, उसे तुम जैसा दोस्त मिला है। बिल्कुल नहीं, मैं लकी हूँ जो वो मेरा दोस्त है। क्या तुम ड्राइवर रंगा को जानती हो? हेलो, इज्जत से नाम लो, विक्की उन्हें अंकल कहता है। वो मेरे पापा है। तुम्हारे पापा? मेरे पापा उनके यहाँ पिछले 20 सालों से नौकरी कर रहे हैं। विक्की को मैं बचपन से जानता हूँ, बेस्ट फ्रेंड्स हैं हम। बचपन में उसने अपने पापा से कहा था कि पापा ये चिट्टी है मेरा बेस्ट फ्रेंड, आज के बाद हम दोनों साथ में ही रहेंगे। वो जब भी मुझे अपने नए दोस्तों से मिलाता है तो उनसे कहता है कि मैं चिट्टी हूँ उसका बेस्ट फ्रेंड। वो ऐसा ही है, वो अगर किसी को अपना मान ले तो उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। तो फिर वो लड़कियों के मामले में इतना अलग क्यों है? उसमें उसकी गलती नहीं है निक्की, हर लड़की उसे बस अपना बॉयफ्रेंड ही बनाना चाहती है, दूसरे एंगल से देखती नहीं तो वो भी क्या करेगा। पर जिस दिन कोई लड़की उसे लेकर सीरियस हो गई ना, तो मेरी बात याद रखना, वो उसके लिए दुनिया से लड़ेगा, उसका साथ नहीं छोड़ेगा, उसे वो अपनी पलकों पर बिठाएगा, ये मेरा दावा है। आ गया मेरा जिगरी दोस्त। अरे मैंने एक आइसक्रीम मांगी तो पूरी गाड़ी उठा लाया। रुक 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 रुक। ये वाली दे दे। भर भर के खा ले। बस।